परिचय आज एक धूप वाला दिन है विशाल दिन का आनंद लेने के लिए बगीचे में है अचानक वो एक पुष्प को देखता है और उसे वो पसंद आता है वो उसे लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है लेकिन तुरंत ही अपने हाथ को पीछे खींच लेता है उसे क्या हुआ अब चलो थोड़ा पास से देखते हैं जैसे ही उसने पुष्प के तने को छुआ उस पर लगा हुआ कांटा उसे चुप गया तथा संवेदक जो कि त्वचा के नीचे स्थित होते हैं उद्दीपन का पता लगाते हैं तथा यह उद्दीपन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ले जाया जाता है तथा इसकी अनुक्रिया में कंकाल पेशियां सिकुड़ती जाती हैं तथा वो अपना हाथ हटा लेता है इसलिए इस मॉड्यूल में हम तंत्र की नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में जानेंगे उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे मानव के तंत्र की तंत्र को परिभाषित करना तंत्रिक कोशिका यानी न्यूरॉन की संरचना तथा कार्य का वर्णन करना तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति एवं संचरण का वर्णन करना आवेगों के संचरण का वर्णन करना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की व्याख्या करना प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप का वर्णन करना मानव नेत्र तथा मानव कर्ण की संरचना तथा कारिकी का वर्णन करना तंत्रकीय तंत्र तंत्र की ये तंत्र शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वयित करता है तंत्र कोशिका यानी न्यूरॉन तंत्र की ये तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है ये शरीर के एक भाग से अन्य भागों तक सूचनाओं को ले जाती है आ कशेरुकों में कशेरुकियों की तुलना में तंत्र का तंत्र कम विकसित होता है था इनमें कुछ तंत्री कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स ही पाई जाती हैं मानव तंत्रिका तंत्र मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरु तंत्रिकाएं आती हैं तंत्रिका तंतु दो प्रकार के होते हैं संवेदी या अभिवाही तंतु एवं चालक या प्रेरक या अपवाही तंतु संवेदी या अभिवाही तंतु ये तंतु उद्दीपनों को ऊतकों या अंगों जैसे संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्र तक ले जाते हैं चालक या प्रेरक या अपवाही तंतु ये तंतु उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ऊतकों या अंगों तक ले जाते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है कायिक तंत्र, का तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कायिक का तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ऐच्छिक अंगों तक ले जाता है जबकि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को तंत्रिका तंत्र से अनैच्छिक अंगों जैसे हृदय पेशियों तक ले जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पुनः दो भागों यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में वर्गीकृत किया गया है परानुकंपी भाग कुछ कार्यों जैसे हृदय दर कम करना प्युपिल का निर्माण करना आदि को नियंत्रित करता है जबकि अनुकंपी भाग इसके विपरीत प्रभाव जैसे हृदय दर बढ़ाना आदि दर्शाता है तंत्री कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई एक तंत्री कोशिका यानी न्यूरॉन के तीन मुख्य भाग होते हैं कोशिका काय दुमराक्षे एवं तंत्रिकाक्ष विशेषीकृत कोशिकाएं सूचनाओं को ग्रहण तथा उन्हें संवहित करने के लिए उत्तरदायी होती हैं कोशिका काय में कोशिका द्रव्य और प्रारूपिक कोशिकांग और विशेष दानेदार अंगक निसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं कोशिका काय से प्रवर्धित होते हैं वे ग्राहियों तथा कई अन्य तंत्र कोशिकाओं यानी न्यूरोनों से तंत्र किए आवेगों को ग्रहण करते हैं तथा इन आवेगों को कोशिका काय की तरफ संवहित करते हैं एक लंबा तंतु जो कि कोशिका काय से आवेगों को दूर ले जाता है तंत्री काक्ष कहलाता है प्रत्येक तंत्री काक्ष के सिरे पर एक बल्ब सदृश संरचना जिसे स्नेप्टी पुटिका कहते हैं पाई जाती है जिस पर न्यूरो पाए जाते हैं तंत्री कोशिका तीन प्रकार के होते हैं एक ध्रुवीय द्विध्रुवीय तथा बहुध्रुवीय एक ध्रुवीय इनमें केवल एक ही तंत्री उपस्थित होता है दुई ध्रुवीय एक तंत्री एवं एक दुमराक्ष उपस्थित होता है बहुध्रुवीय एक तंत्री तथा दो या अधिक दुमराक्ष उपस्थित होते हैं तंत्रिकाक्ष दो प्रकार के होते हैं आच्छति एवं आच्छदहीन आच्छादी तंत्रिका तंतु श्वान कोशिका से ढके रहते हैं जो तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलन आवरण बनाती है माइलिन आवरणों के बीच अंतराल पाए जाते हैं जिन्हें रेनवियर के नोड कहते हैं जबकि आचदहीन तंत्रिकाक्षों में तंत्रिकाक्ष के चारों ओर कोई भी माइलन आवरण नहीं पाया जाता है तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति एवं संचरण एक तंत्रिका आवेग एक संदेश होता है जो कि तंत्रिकोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली में वोल्टेज द्वारय चैनलों द्वारा आयनों के गतिशील होने के कारण दुमराक्षियों अथवा तंत्रिकाक्षों के साथ संवहित होता है विद्युतीय विभव के कारण वोल्टेज द्वारय चैनल खुलते तथा बंद होते हैं जिससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वे उनके चारों तरफ लगने वाले विद्युतीय आवेश के द्वारा प्रभावित होते हैं जब तंत्री कोशिका न्यूरॉन व्रमावस्था में होता है तो कोशिका के अंदर तथा बाहर आवेश अंतर बना रहता है सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा ये आवेश निर्मित होता है तथा बना रहता है पंप सोडियम आयनों को कोशिका के बाहर भेजता है जबकि पोटेशियम आयनों को कोशिका में प्रवेश कराता है जबकि अन्य चैनल कुछ पोटेशियम आयनों के प्रवाह को वापस कोशिका में भेजते हैं जहां कि सोडियम आयन खोए हुए धनात्मक आवेशों को आसानी से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं इसका परिणाम यह है कि कोशिका के बाहर कुल धनात्मक आवेश तथा अंदर कुल ऋणात्मक आवेश होता है कोशिका के अंदर तथा बाहर आवेश में अंतर विराम कला विभव कहलाता है अब जब कोई उद्दीपन दुम्राक्ष पर जीव द्रव्य झिल्ली के साथ छेड़छाड़ करता है एक तंत्र का उद्दीपन प्रारंभ होता है जिससे सोडियम चैनल खुलता है सोडियम आयन कोशिका में बहने लगते हैं तथा उस स्थान पर आवेश में अंतर को कम करते हैं यदि आवेश अधिक होता है तो ये अन्य वोल्टेज द्वारिये सोडियम चैनल को इसके पास खोल देता है जैसे ही कोशिका में कई सोडियम आयनों का संचरण होता है तो वह स्थान झिल्ली को विध्रुवीकरण बनाता है तथा कोशिका के भीतर कुल धनात्मक आवेश तथा कोशिका के बाहर कुल ऋणात्मक आवेश पाया जाता है ये पड़ोसी वोल्टेज द्वारे सोडियम चैनलों को भी प्रभावित करता है तथा यह उन्हें खोलता है एवं विध्रुवीकरण झिल्ली के साथ आगे बढ़ता है क्रियात्मक विभव के पीछे बदलाव विराम कला छिल्ली विभव को पुनः स्थापित करते हैं वोल्टेज द्वारे पोटेशियम चैनल बंद हो जाते हैं जिसके कारण कोशिका से बाहर की तरफ पोटेशियम आयनों का एक तेज प्रवाह होने लगता है जिससे कोशिका के भीतर पुनः ऋणात्मक आवेश तथा कोशिका के बाहर पुनः धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है सोडियम पोटेशियम पंप विरामकला झिल्ली विभव पुनः स्थापित करता है तथा कोशिका के भीतर तथा बाहर सोडियम एवं पोटेशियम आयनों की सही सांद्रता को पुनः निर्मित करता है आवेगों का संचरण दो तंत्री कोशिकाओं यानी न्यूरोनों के मध्य एक संकेत को संचारित करने के लिए एक वैद्युतीय उद्दीपन एक स्नेप्स के ऊपर संवहित होना चाहिए सिनेप्स एक संधि है जिसके द्वारा एक उद्दीपन एक तंत्रिकाक्ष सिरे से एक तंत्रिक कोशिका यानी न्यूरॉन तक जाता है ये पूर्व सिनेप्टिक तथा पश्च सिनेप्टिक तंत्रिक कोशिका द्वारा बना होता है जैसे ही क्रियात्मक विभाव नीचे तंत्रिकाक्ष की तरफ जाता है तथा यह तंत्रिकाक्ष सिरे तक पहुंचता है कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं जिससे कैल्शियम आयन तंत्री कोशिका में चले जाते हैं इसके बाद तंत्री कोशिका यानी का न्यूरो करता है तथा पुटिकाओं में उन्हें संचित करता है जैसे ही कैल्शियम पुटिकाओं से बंध जाता है पुटिकाएं न्यूरोट्रांसमीटर को पूर्व स्नेप्टिक झिल्ली की तरफ ले जाती हैं जब पुटिकाएं तंत्रिकाक्ष सिरा झिल्ली के संपर्क में आती हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक दरार में तयाग दिया जाता है पूर्व सिनेप्टिक तथा पश्चिम सिनेप्टिक तंत्र कोशिका यानी न्यूरॉन के मध्य अंतराल को सिनेप्टिक दरार कहते हैं अब न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक दरार से विसरित हो जाता है तथा पश्चिम सिनेप्टिक तंत्र कोशिका न्यूरॉन पर उपस्थित ग्राहियों से बंध जाता है पश्चिम सिनेप्टिक कोशिका यानी न्यूरॉन पर पाए जाने वाले ग्राहियों को सक्रिय कर देता है तथा फिर ग्राही सोडियम आयनों को सुसाध्य विसरण द्वारा कोशिका में प्रवेश करने देते हैं जिससे पश्चिम सिनेप्टिक कोशिका में एक क्रियात्मक विभाव उत्पन्न हो जाता है निष्कासित न्यूरो सिनेप्टिक दरार में वापस विसरित हो जाते हैं तथा पुटिकाएं कुछ न्यूरो को पुनः चक्रण करती हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र का एक प्रसारण तंत्र है ये कपालीय गोहा में स्थित होता है इसमें संयोजी ऊतक झिल्लियों की तीन परत होती हैं बाह्य परत ड्यूरा मैटर आंतरिक परत एरेक्नोइ तथा आंतरिक परत पाया मैटर होती है। ये परतें कपालियज कहलाती हैं पाया मैटर तथा एरेक्नॉइट के मध्य के स्थान में मस्तिष्क मेरुद्रव्य द्रव्य भरा होता है मानव मस्तिष्क को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे अग्र तथा मुख्य भाग है ये सेरिब्रम थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस से बना होता है प्र मस्तिष्क बलकुट अग्र मस्तिष्क की पतली बाहे परत बनाती है जिसे प्रामस्तिष्क यानी सैरीब्रम कहते हैं जिसे दो भागों में बाई तथा दाईं तरफ विभक्त होता है जिसे प्रामस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं प्रमस्तिष्क बलकुट प्रमस्तिष्क को ढकता है प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं के एक मोटे बंडल जो कि कॉप्स कैलोसम कहलाता है इनके द्वारा जुड़े होते हैं प्रमस्तिष्क मस्तिष्क बल्कुट मस्तिष्क के कुल भार का 80 प्रतिशत से अधिक होता है ये सोचने भाषा का प्रयोग करने आदि के लिए उत्तरदायी होता है ये ऐच्छिक कार्यों का नियंत्रण तथा संवेदी सूचना की प्रक्रिया भी करता है थैलेमस धूसर द्रव्य का एक बड़ा भार होता है जो कि प्रमस्तिष्क बल्कुट के नीचे स्थित होता है थेलेमस में एक जोड़ी अंड की आकृति वाली संरचना पाई जाती है जो कि सूचनाओं को संवेदी ग्राहियों से प्रमस्तिष्क बल्कुट में मस्तिष्क के संसाधन अंगों तक प्रसारित करती है थेलेमस के ठीक नीचे एक मटर के आकार वाली संरचना उपस्थित होती है जिसे हाइपोथेलेमस कहते हैं ये शरीर के अनेक मुख्य कार्यों जैसे भूख प्यास तरल सांद्रता, शरीर के ताप और जनन प्रक्रिया आदि को नियंत्रित करने में सहायक है लिम्बिक तंत्र परस्पर जुड़ी हुई संरचनाओं का एक समूह है जो कि एमिकडाला हिप्पोकैम्पस थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस के भागों से मिलकर बना होता है मध्य मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क के ऊपर स्थित होता है इसमें तंत्र का मार्ग पाया जाता है जो कि अग्र मस्तिष्क से जुड़ा होता है मध्य मस्तिष्क नेत्र पेशियों की स्वतः गतियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मध्य मस्तिष्क के भाग मस्तिष्क स्तंभ का निर्माण करते हैं रेटिकुलर निर्माण तंत्री कोशिका का जाल होता है जो कि पश्चिम मस्तिष्क से निकलता है मध्य मस्तिष्क से होता हुआ प्रमस्तिष्क में थैलेमस तक गुजरता है यह ध्यान सजगता तथा लैंगिक उत्तेजना को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पश्चिम मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे निचला भाग पश्चिम मस्तिष्क कहलाता है पश्चिम मस्तिष्क पोस अनुमस्तिष्क और मध्यांश यानी मेट्यूला ओब्लोगेंटा का बना होता है मध्यांश तथा पोस में संवेदी तंत्री कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स पाई जाती हैं जो कि सूचनाओं को मेरुरज्जु से अग्र मस्तिष्क तक संवहित करते हैं मध्यांश जीवन के दैनिक कार्यों जैसे हृदय स्पंदन तथा श्वसन को नियंत्रित करता है पोन्स, निद्रा तथा जागने की दशा को नियंत्रित करता है मस्तिष्क स्तंभ मेरुरज्जु को मस्तिष्क के उच्च क्षेत्रों से जोड़ता है प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती क्रिया तंत्रिका तंत्र द्वारा एक उद्दीपन के प्रति एक त्वरित प्रतिक्रिया होती है मानव में किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को झटके से हटा लेना प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण है जब घुटने के ठीक नीचे कंडरा पर आघात होने पर टांगों का सीधा होना इसका एक अन्य उदाहरण है चलो अप्रतिवर्ती चाप का विस्तार से परीक्षण करते हैं पहले त्वचा के विशेषीकृत संवेदी तंतु दर्द वाले उद्दीपन का पता लगाते हैं तथा इस सूचना को मेरुरज्जु में तंत्रिका कोशिकाओं को भेजते हैं यह सूचना एकल संवेदी तंत्री कोशिका द्वारा ग्रहण की जाती है संवेदी तंतु मेरुरज्जु तथा मेरु रज्जु के अंदर तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन के ऊपर स्नेप्स में प्रवेश करते हैं ये तंत्री कोशिका यानी न्यूरॉन चालक न्यूरॉनों के ऊपर स्नेप्स को भेजते हैं जिससे कंकालीय कोशिकाएं नियंत्रित होती हैं भुजा में सामने की तरफ स्थित लचीली कोशिकाएं संकुचन के लिए निर्देशित करती हैं जबकि भुजा में पीछे की तरफ स्थित बाहे पेशियां शिथिलन के लिए निर्देशित करती हैं चालक न्यूरॉनों के उत्तेजना तथा अन्य के अवरोधन द्वारा अंत तंत्री कोशिकाएं पेशी जोड़े को नियंत्रित करते हैं संवेदिक अभिग्रहण एवं संसाधन नेत्र एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में स्थित अस्थिगर्तिक जिसे नेत्र कोटर कहते हैं इनमें स्थित होते हैं नेत्र के भाग मानव नेत्र की भित्ति तीन परतों से मिलकर बनी होती है बाहरी परत घने संयोजी ऊतक जिसे स्केलेरा यानी श्वेतपटल कहते हैं तथा कॉर्निया की बनी होती हैं जिसके द्वारा प्रकाश नेत्र के भीतर प्रवेश करता है मध्य परत तीन भागों से मिलकर बनी होती है कोराइड पक्षमापकाय तथा आयरिस कोराइड मध्य परत का सबसे बड़ा भाग होता है पक्षमापकाय में चिकने पेशी तंतु पाए जाते हैं जो कि लेंस की आकृति को नियंत्रित करते हैं तथा आने वाले प्रकाश पर फोकस करने में हमें सहायता देते हैं आयरिस नेत्र का रंगीन भाग है जो कि कॉर्निया द्वारा दृश्य होता है आयरिस में एक गहरा छिद्र पाया जाता है जिसे प्यूपिल कहते हैं ये प्रकाश को नेत्र में प्रवेश करने देता है आयरिस की चिकनी पेशी प्यूपिल के व्यास को नियंत्रित करती है नेत्र की सबसे आंतरिक परत रेटिना कहलाती है रेटिना पर पाए जाने वाले प्रकाशग्राहियों के दो प्रकार शलाका तथा शंकु हैं शलाका कम प्रकाश के लिए संवेदी होते हैं जबकि शंकु केवल तेज प्रकाश में कार्य करते हैं रेटिना में गुच्छिका कोशिका का तंत्रिकाक्ष नेत्र के पीछे एकत्रित होकर दृष्ट तंत्रिका का, का निर्माण करते हैं इस क्षेत्र में कोई भी प्रकाश ग्राही उपस्थित नहीं होता है ये प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होता है अतः इसे अंध बिंदु कहते हैं रेटिना के मैक्यूला में एक छोटा गर्त स्थित होता है जिसे फोविया कहते हैं ये फोविया पर उपस्थित लगभग सभी शंकों को स्पष्ट दृष्टि प्रदान करता है कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को एक्वस चैम्बर यानी जलीय कोष्ठ कहते हैं जिसमें पतला जलीय द्रव नेत्रोद होता है लेंस और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान को कचाप यानी द्रव कोष्ठ कहते हैं और ये पारदर्शी द्रव कचाप द्रव कहलाता है देखने की प्रक्रिया प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर कॉर्निया तथा लेंस के द्वारा नेत्र में प्रवेश करता है तथा फिर प्रकाश रेटिना पर फोकस होता है तथा शलाका तथा शंकुओं में क्रियात्मक विभाव उत्पन्न करता है नेत्र में प्रकाश वर्णक पाए जाते हैं जो कि ओप्सिन तथा रेटिनल से बने होते हैं प्रकाश ओप्सिन की संरचना को परिवर्तित कर देता है जिसके कारण झिल्ली की पारगम्यता भी परिवर्तित हो जाती है इसके परिणाम स्वरूप विभवांतर प्रकाश ग्राही कोशिका में संचरित होती है तथा एक संकेत की उत्पत्ति होती है जो कि गुच्छिका कोशिकाओं में द्विध्रुवीय कोशिकाओं द्वारा सक्रिय कोशिका विभव उत्पन्न करता है इन सक्रिय विभव के आवेगों को दृग् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क के दृष्टि वलकुट क्षेत्र में भेजा जाता है वलकुट में आवेगों का विश्लेषण होता है तथा रेटिना पर छवि का निर्माण होता है कर्ण मानव कर्ण एक विशिष्ट अंग है ये दो संवेदी क्रियाएं करते हैं सुनना और शरीर का संतुलन बनाना कण की शरीर क्रिया विज्ञान कण को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है बाह्य कर्ण मध्य कर्ण और अंत कर्ण बाह्य कर्ण बाह्य कर्ण उपास्थि की एक अनियमित आकार के टुकड़े को ढकने वाली त्वचा पित्रा तथा कर्णपाली से मिलकर बना होता है बाह्य कर्ण में एक छोटी ट्यूब बाह्य श्रवण गुहा भी पाई जाती है जो कि ध्वनि तरंगों को मध्य कर्ण तक संचारित करती है बाह्य श्रवण गुहा त्वचा द्वारा आस्तरित होती है जिसमें स्वेद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो कि मोम का निर्माण करती हैं कण मोम में बाह्य कर्ण फंसे होते हैं तथा इसमें एक प्राकृतिक प्रतिजैविक पदार्थ पाया जाता है जो कि कर्ण संक्रमण को कम करने में सहायता करता है मध्य कर्ण मध्य कर्ण कपाल के भीतर स्थित होता है कर्णपटह झिल्ली मध्य श्रवण गुहा को बाह्य श्रवण गुहा से भिन्न करती है मध्य कर्ण तीन अस्थिकाओं से बना होता है जिन्हें मेलियस इंकस और स्टेपीस कहते हैं स्टेपीस कोलकिया की अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है यूस्टेकियन नलिका मध्य कर्ण गोहा को फेरिक्स से जोड़ती है यूस्टेकियन नलिका कर्ण पटह के दोनों ओर दाब को समान रखती है कर्ण की शरीर क्रिया विज्ञान अंतकरण द्रव से भरा अंतकर्ण लेब्रिथ कहलाता है जो कि अस्थिल और झिल्लीनुमा लेब्रिथ से बना होता है अस्थिल अस्थिलेब्रिथ वाहिकाओं की एक श्रृंखला होती है इन वाहिकाओं के भीतर झिल्लीनुमा लेब्रिथ होता है जो कि का द्रव से घिरा रहता है किंतु झिल्लीनुमा लेब्रिंथ एंडोलिम्फ नामक द्रव से भरा रहता है अस्थिल लेब्रिंथ के तीन मुख्य भाग होते हैं कोकलिया अर्धचंद्राकार नलिकाएँ तथा वेस्टब्यूली जो कि कोलिक्लिया तथा अर्धचंद्राकार नलिकाओं को जोड़ती है कोलक्लिया में राइजनर्स तथा बेसलर झिल्ली पाई जाती है स्टेपीज के पीछे अंडाकार खिड़की पाई जाती है तथा अंतःकण में बाहर की तरफ निकली हुई गोल खिड़की उपस्थित होती है ऑर्गन ऑफ कार्टाई आधारीय झिल्ली के स्केला मीडिया पर स्थित होता है जिसमें पाई जाने वाली रोम कोशिकाएं श्रवण ग्राही के रूप में कार्य करती हैं रोम कोशिकाओं का आधारीय भाग अभिवाही तंत्रिका तंतु के निकट संपर्क में होता है रोम कोशिकाओं की श्रृंखला के ऊपर पतली लचीली टेक्टोरियल झिल्ली होती है वेस्टिब्यूलर तंत्र तीन अर्धचंद्रकार नलिकाओं और ऑर्गन ऑफ ऑटोलिस्ट से बना होता है प्रत्येक अर्धचंद्रकार नलिका एक दूसरे से समकोण पर भिन्न तल पर स्थित होती है झिल्ली नुमा नलिकाएं अस्थल नलिकाओं के परिलसिका द्रव में डूबी रहती हैं नलिका का फूला हुआ आधार भाग एम्पुला होता है जिसमें एक उभार निकलता है जिसे क्रिस्टा एम्पलेरिस कहते हैं प्रत्येक क्रिस्टा में रोम कोशिकाएं होती हैं लघुकोष और यूट्रिकल में उभार नुमा संरचना मैक्यूला होता है श्रवण की क्रिया ध्वनि तरंगे बाहे कण द्वारा प्रवेश करती हैं तथा कण पटे तक पहुंचती हैं ध्वनि तरंगों के प्रतिक्रिया में कणपटेह में कंपन होता है और ये कंपन कण अस्थिकाओं यानी मैलियस इंकस और स्टेपीज से होते हुए गोलाकार खिड़की तक पहुंचते हैं गोलाकार खिड़की से कंपन कोकलिया में भरे द्रव तक पहुंचते हैं जहां वे लिम्फ में तरंगे उत्पन्न करते हैं लिम्फ की तरंगे आधार कला में हलचल उत्तेजित करती हैं आधारीय झिल्ली में गति से रोम कोशिकाएं मुड़ती हैं और टेक्टोरियल झिल्ली पर दबाव डालती हैं फलस्वरूप संगठित अभिवाही न्यूरॉन्स में तंत्रिका आवेग उत्पन्न होते हैं ये आवेग अभिवाही तंतुओं द्वारा श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क के श्रवण वलकुट तक भेजे जाते हैं जहां आवेगों का विश्लेषण कर ध्वनि को पहचाना जाता है क्या आप जानते हैं मेलियस इंकस तथा स्टेपीस मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थियां होती हैं तथा जन्म के समय ही ये पूर्ण आकार की होती हैं टेम्पोरल अस्थि शरीर की सबसे घनी अस्थि होती है मानव नेत्र प्रत्येक घंटे में छत्तीस हजार बिट्स सूचनाओं की प्रक्रिया कर सकते हैं सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। तंत्रिका तंत्र शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन करता है मानव तंत्रिका तंत्र दो भागों केंद्रीय तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में विभाजित किया जा सकता है जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र को कायिक तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में विभाजित किया जा सकता है तंत्रिक कोशिका यानी न्यूरॉन के मुख्य भाग तंत्रिका काय दुमराक्ष तथा तंत्रिकाक्ष हैं तंत्रिका आवेग एक संदेश होता है जो कि तंत्रिक कोशिका के दुमराक्षों एवं तंत्रिकाक्षों के साथ संचरण करता है दो तंत्री कोशिकाओं के मध्य एक संदेश के संचरण के लिए सिनेप्स के ऊपर एक वैद्युतीय आवेग का संचरण अवश्य होना चाहिए मानव मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क में विभाजित किया जा सकता है अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे अग्रभाग होता है ये सेहरिब्रम थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस से बना होता है पश्चिम मस्तिष्क पोन्स अनुमस्तिष्क और मध्यांश यानी मेट्यूला ओब्लोगेंटा का बना होता है प्रतिवर्ती क्रिया तंत्रिका तंत्र द्वारा एक उद्दीपन के प्रति एक त्वरित प्रतिक्रिया होती है मानव नेत्र तथा मानव कर्ण संवेदी अंग होते हैं